मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम बताने वाले हैं आपको वो बात कि हम NPCIL एग्जाम में कौन सी गलती ना करें, कि वो गलती क्या होगी, और NPCIL एग्जाम में यदि आप लोगों ने गलती की तो आपका सिलेक्शन होते होते रुक सकता है। तो आपके मन में ये बात होगी कि भैया ऐसी कौन सी गलती आप हमें बताने वाले हो कि जिससे हमारा सिलेक्शन आधा हो सकता है, आधा रुक भी सकता है। तो उस गलती को हम बात करेंगे, और ये गलती कब करते हैं बच्चे वो भी हम बताएंगे NPCIL की। इसके बाद हम एक गलती इसरो की बताएंगे कि इसरो के पेपर में बच्चे क्या गलती कर सकते हैं। इसके बाद हम एक गलती बताएंगे कि ITI की किसी भी पेपर में एक गलती जो बच्चे ज़्यादातर करते हैं वो भी हम एक गलती बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको NPCIL एग्जाम में ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। वो गलती क्या है और कब ये गलती हो सकती है, तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि दोस्तों NPCIL एग्जाम में दो पेपर होने हैं, एक प्री का होना है, एक एडवांस का होना है। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि प्री एग्जाम के चक्कर में पहले प्री एग्जाम को पास करने के लिए ओनली वन किसकी तैयारी करते हैं, ओनली प्री 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 पढ़ते रहते हैं, मैथ पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, GK पढ़ते हैं। तो ये ओनली उनके मन में एक ही रहता है कि हम केवल और केवल NPCIL एग्जाम का प्री एग्जाम निकालें। अब मान लीजिए आपने अभी 15 दिन है एग्जाम की, और आपने प्री एग्जाम की लगातार आपने नॉन टेक्निकल की तैयारी की और आपका प्री एग्जाम निकल गया, लेकिन इसके बाद एडवांस एग्जाम होना है, उसमें ट्रेड थ्योरी आनी है। ट्रेड थ्योरी यानी आपकी ITI की ट्रेड से रिलेटेड थ्योरी आई है। अब आपका प्री तो निकल गया, लेकिन आपने नॉन टेक्निकल में पूरा समय लगा दिया और आपने टेक्निकल पे ध्यान नहीं दिया। तो दोस्तों, यही स्टूडेंट की गलती है। आपको क्या करना है, आपको प्री एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ना है। ओनली प्री एग्जाम में क्या कितना पढ़ना है, पास होने के लिए आपको पढ़ना है ओनली वन। आप अगर प्री एग्जाम में 150 में से 150 भी अवाल होगे तो कुछ नहीं इससे मेरिट बनने वाली। क्यों? क्योंकि प्री एग्जाम ओनली पासिंग के लिए है, इसमें मेरिट कोई नहीं बनेगी। अगर आपके 150 में 150 नंबर आएंगे और एक बंदे के 60 में 61 नंबर आएंगे, 60 आएंगे, तो वो भी उसको भी 60 वाले को भी एडवांस देने को मिलेगा, और जिसके 150 में 150 नंबर आए हैं प्री में उसको भी एडवांस का पेपर देने को मिलेगा। अब जिसके 61 नंबर मान लीजिए हमारे प्री में आए, लेकिन उसकी ट्रेड थ्योरी अच्छी है तो वो मेरिट ट्रेड थ्योरी से बनेगी, तो उसमें वो बाजी मार ले जाएगा आपसे आगे। लेकिन जिसके नॉन टेक्निकल वाले प्रीलिम्स एग्जाम में अगर उसके नंबर आए 150 में 150, लेकिन उसकी ट्रेड थ्योरी सही नहीं है, तो वो बच्चा जो 150 में 150 लाया प्रीलिम्स एग्जाम में लेकिन ट्रेड थ्योरी अच्छी नहीं है, तो वो पीछे रह सकता है। यही गलती है। तो दोस्तों, NPCIL एग्जाम के लिए आपको प्रीलिम्स एग्जाम के लिए उतना पढ़ना है जितना आप उसको पास कर सकें, ज़्यादा उसमें समय बर्बाद नहीं करना है। यही गलती बच्चे करते हैं, और कई बच्चे करे भी हैं कि प्रीलिम्स पास हो जाते हैं लेकिन एडवांस में रह जाते हैं। तो यही बात मैंने वीडियो को शुरू होते समय पहले बोली थी कि अगर NPCIL एग्जाम में आपने उन्होंने ये गलती की तो नौकरी लगते लगते रुक सकती है। अब आपको इसके लिए क्या करना है भैया, इसकी क्या प्लानिंग है कि गलती ना हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं हर दिन नॉन टेक्निकल के प्रीलिम्स एग्जाम के मैथ और साइंस के 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ। आप वही क्वेश्चन देख लीजिए हमारे चैनल फिटर फाइटर पर, यूट्यूब पर जाकर के आप फिटर फाइटर सर्च करें, प्लेलिस्ट पर जाएं, और उसमें से नॉन टेक्निकल के लिए मैं NPCIL और इसरो के लिए नॉन टेक्निकल के जो क्वेश्चन हैं मैथ और साइंस के वो डाल रहा हूँ। और छोटी मोटी कोई बुक हो आपके पास नॉन टेक्निकल की, तो उसके आप क्वेश्चन फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चन लगाइए, ज़्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे मेरिट नहीं बनेगी, इसमें ओनली वन हमें पासिंग मार्क चाहिए। अब दूसरे नंबर पे इस पे तो हमने पासिंग मार्क बना लिया, आपको ज़्यादा समय देना है सेकंड एडवांस एग्जाम के लिए। तो आपको अगर 2 घंटे आप नॉन टेक्निकल प्रीलिम्स एग्जाम के लिए दे रहे हैं, तो आपको 6 घंटे पढ़ाई करना है ट्रेड थ्योरी की, क्योंकि मेरिट में लाने का काम करेगी ट्रेड थ्योरी। अब कोई बच्चा ये बोलेगा कि भाई हम प्रीलिम्स एग्जाम ही नहीं निकाल पाएंगे तो ट्रेड थ्योरी का क्या करेंगे, तो भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी बिल्कुल ना करो। आप प्रीलिम्स एग्जाम की इतनी तैयारी करो कि आपके नंबर उसमें पासिंग वाले आ जाएं, आप पास हो जाइए, उसमें ज़्यादा मेरिट बनाने की जरूरत नहीं है प्रीलिम्स में। तो आपको
2 घंटे पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए और 6 से 8 घंटे पढ़ना है एडवांस के लिए। इससे क्या होगा कि आप प्रीलिम्स भी पास कर जाओगे, एडवांस भी पास कर जाओगे। तो आपको दोनों पहलू लेके चलना है, केवल ओनली प्रीलिम्स का पहलू लेके नहीं चलना है। तो ये गलती जो है NPCIL के एग्जाम के लिए बच्चे करते हैं, ये आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए। अब मैं इसरो एग्जाम की गलती बताऊंगा। इसरो एग्जाम की ये गलती मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि इसरो एग्जाम में नॉन टेक्निकल आएगी। मेरे भाई 10 से 12 नंबर की नॉन टेक्निकल आएगी, और वो नॉन टेक्निकल मैं NPCIL एग्जाम के वीडियो में आपको बता रहा हूं। तो वही नॉन टेक्निकल NPCIL एग्जाम में काम आ जाएगी, और वही नॉन टेक्निकल इसरो के एग्जाम में काम आ जाएगी। तो आप नॉन टेक्निकल पढ़ लीजिए, वही NPCIL की हो गई, वही इसरो के लिए हो गई। तो 10 से 12 नंबर का इसरो का ये क्लियर हो गया, आपको नॉन टेक्निकल में ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं। आपको इसरो एग्जाम के लिए ट्रेड थ्योरी पर कमांड बनाइए, और ट्रेड थ्योरी के लिए आप हमारे चैनल फिटर फाइटर पर जुड़े रहिए। आपके पास जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को हल करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हल करिए। तो ये करना है। अब मैं ये कैसी गलती बताऊंगा जो सारे बच्चे हर एग्जाम में करते हैं। यदि ऑफलाइन पेपर होता है तो ऑफलाइन पेपर में कुछ बच्चे पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, पूरे ऐसे 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, 60 है तो 60 सॉल्व कर लेंगे, और बाद में गोले भरेंगे। ये गलती दोस्तों अगर आपने की तो आप हड़बड़ी में अगर एक ही गोला गलत भर दिया तो आपके सारे गोले गलत भर जाएंगे। इसका बिल्कुल जो है हूबहू एग्जाम्पल मेरे यहाँ कोचिंग में कई बच्चों ने ऐसा किया है, और वो अनसक्सेसफुल रहे। इसलिए आप लोग अनसक्सेसफुल ना हो, इसीलिए आपको 10-10 क्वेश्चन करना है ऑफलाइन में, और 10-10 गोले भरना है। ये गलती किसी भी बंदे को नहीं करना है, क्योंकि इससे लास्ट में डिप्रेशन रहता है कि हमें पूरे गोले भरना है, इससे गोले गलत हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था कि एग्जाम में होने वाली गलतियाँ, NPCIL एग्जाम में होने वाली गलती। तो ये गलती आप ना करें, और अच्छे से आप तैयारी करें। नॉन टेक्निकल के लिए जितना टाइम बताया उतना दें, टेक्निकल में ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि मेरिट किससे बनेगी, टेक्निकल से बनेगी। और दोस्तों कोई दिक्कत हो, कोई मन में क्वेश्चन हो, हमारे ITI फिटर ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन हो, इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन हो, NPCIL से रिलेटेड क्वेश्चन हो, या अन्य किसी एग्जाम से, ITI की जो भी एग्जाम होते हैं उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें अपना छोटा भाई बड़ा भाई समझ के, मित्र समझ करके हमें कमेंट करें, हमसे पूछें। और यदि आप चैनल पर नए हो तो इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भील, जय भारत।